नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल वीके स्टडी प्लेटफॉर्म पर। तो आइए दोस्तों, आज आर्टिकल का हम लोगों ने द पढ़ते हैं कि आर्टिकल जो डिफिनिट आर्टिकल होता है वो क्या होता है उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। इसके दो पिछले वाला जो क्लास हुआ था उसमें हम लोगों ने आर्टिकल ए और एन का यूज क्या होता है वो पढ़ लिए थे, यूज कब नहीं होता ये भी पढ़ लिए थे। लगभग नहीं दोस्तों, कम संपूर्ण रूप से आर्टिकल ए और एन का हम लोगों ने यूज पढ़ लिया था, उसको खत्म कर दिया था। और मैं दोस्तों आपको बताया था, कल कहा भी था कि आप एक मार्केट से किसी राइटर का बुक ले लीजिएगा जिसमें आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस से दिया हो, प्रैक्टिस से दिया हो, आप उसको प्रैक्टिस कर सके। उसके लिए देखिए प्रॉफिट क्या है। तो जब आप क्वेश्चन यहाँ सॉल्व करेंगे, आप टॉपिक यहाँ तो पढ़ ले रहे हैं, जब यहाँ पे आप टॉपिक पढ़ लेंगे तो आप क्वेश्चन जब घर पे जाकर सॉल्व करेंगे उस प्रैक्टिस से आप बुक पढ़ेंगे और टॉपिक पढ़ के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको दिमाग में जो टॉपिक पढ़े वो आपके दिमाग में क्लियर हो जाएगा, वो कन्फ्यूज क्रिएट नहीं करेगा। आप वैसे कन्फ्यूज होते रहेंगे कि क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े। तो इसलिए दोस्तों आप जाके मार्केट से कोई भी राइटर का बुक लीजिए। अगर आपको पता नहीं चल रहा है किस राइटर का बुक ले तो आप हमको ईमेल कर दीजिएगा या व्हाट्सअप कर दीजिएगा, आपको मैं बता दूंगा कि किस राइटर का आप बुक लीजिए। चलिए दोस्तों बिन देर की वजह शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आइए दोस्तों, यहाँ पे आपको दिख रहा है कि यूज ऑफ डिफिनिट आर्टिकल द, तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, यूज ऑफ ये डिफिनिट आर्टिकल द। तो दोस्तों आपको इतना दिख रहा होगा तो आप बुक जब उठाएंगे तो देखेंगे उसे बहुत सारे रूल दिया है, आप रूल को रट करते रह जाएंगे, रटते रह जाएंगे, आपको रूल याद नहीं होने वाला है, कन्फ्यूजन क्रिएट होगा किसके साथ यूज होता है किसके साथ नहीं यूज होता। मैं दोस्तों जो इतना आपको दिख रहा है छोटा सा ग्राफ बनाया, वो जो दिख रहा है ग्राफ, मैं इतना में ही आपको द के पूरे क्वेश्चन पूरे जो रूल होते हैं उसको मैं कंफर्म करा दूंगा और क्लियर करा दूंगा, गारंटी देता हूं कि इतने से बाहर क्वेश्चन आपको नहीं आएंगे एग्जाम में। तो आइए दोस्तों देखिए, द है तो इसमें आप चलते हैं, इधर से हम पढ़ते हैं कि चलते हैं। तो द का यूज हम कहाँ करते हैं, यूनिक ऑब्जेक्ट। द का यूज हम किसके साथ करते हैं, यूनिक ऑब्जेक्ट। और यहाँ पे दोस्तों आपको यूनिक ऑब्जेक्ट दिख रहा है, द सन, द अर्थ, यहां पे लिख सकते हैं द मून, द ताज महल, द लोटस टेम्पल, द मून, द ताजमहल, द लोटस टेम्पल। कह रहा है कि द का यूज हम किसके साथ करते हैं, तो यूनिक ऑब्जेक्ट के साथ। यहाँ पे यूनिक ऑब्जेक्ट आपको दे दिया कि द का यूज हम यूनिक ऑब्जेक्ट के साथ करते हैं। तो इतना आपको ध्यान में रखना है दोस्तों कि यूनिक ऑब्जेक्ट जो संसार में यूनिक हुआ अकेला हो उसके साथ हम द का यूज करते हैं, जो संसार में अकेला हो यूनिक हो उसके साथ हम द का यूज करते हैं। किसके साथ करते हैं, द मून के साथ यूज करेंगे, द ताज के साथ यूज करेंगे, द लोटस टेम्पल, लोटस टेम्पल आपका यूनिक है अकेला है लोटस टेम्पल, लोटस टेम्पल का यूज करेंगे, द ताज होटल, ताज होटल भी आपको अकेला है तो अकेला यूज करेंगे, चंद्रमा चंद्र मून यूज कर दिए, दम मरकरी यूज कर दिए, दम वीनस यूज कर दिए, जितने उपग्रह होते हैं आप उनको यूज कर दीजिए, ग्रह होते हैं उनको ही साथ यूज कीजिए, तो यूनिक है सब। द सन, द सन क्या है दोस्तों, यूनिक है। द अर्थ हो गया, अर्थ क्या है, पृथ्वी, यूनिक है अकेली है तो उसके साथ द का यूज कर दिए। तो इतना आपको क्लियर हो जाना चाहिए, दिमाग में बैठ जाना चाहिए कि जो ये रूल दिख रहा है आपको कि यूनिक ऑब्जेक्ट के साथ आप किसका यूज करते हैं, दोस्तों ये रूल जो दिख रहा है यूनिक ऑब्जेक्ट के साथ आप आर्टिकल द का यूज करते हैं, आप यूनिक ऑब्जेक्ट है आर्टिकल द का यूज करते हैं, यूनिक मींस अकेला। इतना दिमाग में रखिएगा कि जो यूनिक होता है उसके साथ द का यूज करते हैं। यूनिक मतलब और देख लीजिए, गीता, बाइबल, ग्रंथ ले लीजिए, धार्मिक पुस्तकें ले लीजिए, महासागर ले लीजिए, सब यूनिक है। धर्म ग्रंथ में गीता ले लीजिए, बाइबल ले लीजिए, यूनिक है दोस्तों, अकेले है। गीता हिंदुओं का ग्रंथ है, पवित्र ग्रंथ माना जाता है, बाइबल माना जाता है, कुरान मुस्लिमों का परंतु का पवित्र ग्रंथ माना जाता है। तो जितने ग्रंथ है मतलब यूनिक जो अकेला है वह इस संसार में, उसके साथ हम आर्टिकल द का यूज करते हैं। ये तो आपको क्लियर हो गया होगा। इसी एक जो यूनिक आपको बताया हूँ, यूनिक ऑब्जेक्ट, इसी एक टॉपिक से आपको लगभग क्लियर हो गया होगा आर्टिकल द का यूज। 90% आर्टिकल द का यूज आप इस टॉपिक से क्लियर हो गया, यूनिक ऑब्जेक्ट से। यकीन नहीं आ रहा है तो आप मिलाइएगा यूनिक ऑब्जेक्ट। अब आइए दोस्तों सेकेंड में, आप देखते हैं तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो होता है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है जैसे द गिटार आप कर लिए, द वायलिन आप कर लिए, द बांसुरी। तो जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है उसके तो आप आर्टिकल किसका यूज करते हैं, द का यूज करते हैं। किसके साथ, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के साथ। तो ये भी आपको क्लियर हो गया सेकेंड वाले में। देखिए जब गिटार, थर्ड वाले में आएंगे तो इस पर आपको आएंगे तो प्लेस कवर। ये भी देखिए दोस्तों, जो यूनिक ऑब्जेक्ट है और प्लेस कवर है, इससे आपको सब आर्टिकल कवर हो जाएंगे। प्लेस कवर मतलब जो स्थान घिरता है उसके साथ हम आर्टिकल द का यूज करते हैं। ये तो बहुत अच्छा ठीक है दोस्तों, जो आप स्थान जो घेरता है उसके साथ आप आर्टिकल द का यूज करते हैं। देखिए द गंगा, द एशियन सी, अरबेनियन सी, ये आप स्थान गिर रहा है तो द गंगा, द अरबियन सी हो जाएगा, द यमुना हो जाएगा, द रिवर, रिवर की जितने नाम नदियाँ हो जाएगी इसमें रिवर हो जाएगा।
समुद्र हो जाएगा, झील हो जाएगा, झरना हो जाएगा। लेकिन दोस्तों एक बात ये ध्यान में रखिएगा कि जो माउंट एवरेस्ट होता है, एवरेस्ट जो चोटियाँ होती हैं उनके साथ हम आर्टिकल द का यूज नहीं करते हैं, जो चोटियाँ होती हैं उनके साथ हम द का यूज नहीं करते हैं। इतना वो क्लियर हो गया। अब आते हैं दोस्तों पार्ट ऑफ बॉडी, इतना दिमाग में रखिएगा कि पार्ट ऑफ बॉडी शरीर के जितने भी अंग आते हैं उनके साथ आप आर्टिकल द का यूज करते हैं। पार्ट ऑफ बॉडी शरीर के अंगों के साथ आप आर्टिकल द का यूज करते हैं। द ईयर्स, द नोज, द हैंड्स, द लेग, द हेयर्स, द आईज, पार्ट्स ऑफ बॉडी शरीर के जितने अंग आते हैं उनके साथ आप आर्टिकल द का यूज करते हैं। ये भी आपको क्लियर हो गया। अब आते हैं दोस्तों ऑर्डिनरी, जो ऑर्डिनल दिया है ऑर्डिनल एडजेक्टिव वो होता क्या है? तो ऑर्डिनल एडजेक्टिव होता है दोस्तों, जैसे इसमें एग्जाम्पल थोड़ा मैं समझाना चाहता हूँ। कह रहा है द नेक्स्ट बस, द सेकेंड पेज, नेक्स्ट बस कह रहा है, अगली बस, सेकेंड पेज, फर्स्ट ऊपर रहा है लेकिन सेकेंड पेज कह रहा है, कहेगा द थर्ड पेज, द थर्ड बस, द सेकेंड टाइम, द फर्स्ट टाइम, द थर्ड टाइम, मतलब ऑर्डिनल जो होता है जो आपको जिसको काउंट कर सकते हैं फर्स्ट सेकेंड थर्ड नेक्स्ट होता है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड ऑर्डिनल होती है आपको पता ही है। तो नेक्स्ट ऑर्डिनल जो होता है उसके साथ आप द का यूज करते हैं। थी ना आपको दिमाग में चल गया कि ऑर्डिनल जो एडजेक्टिव उसके साथ आप भी द का यूज करते हैं। जब एडजेक्टिव हम लोग पढ़ जाएंगे तो उसमें बताएंगे एकदम क्लियर से कि ऑर्डिनल एडजेक्टिव होता क्या है। तब के लिए आप दिमाग में रखिएगा कि जो ऑर्डिनल होता है एडजेक्टिव उसके साथ हम द का यूज करते हैं, जैसे द नेक्स्ट बस, द सेकेंड पेज। तो यहाँ पर जो नेक्स्ट है ऑर्डिनल है, द सेकेंड ऑर्डिनल है और एडजेक्टिव का भी काम कर रहा है। इतना तो क्लियर। अब आते हैं दोस्तों जो डिजर्ट होता है, जितनी भी डिजर्ट होती हैं उनके साथ आप आर्टिकल द का यूज करते हैं। इतना दिमाग में रख लीजिएगा कि डिजर्ट जो होता है वो आर्टिकल द का यूज होता है, क्योंकि प्लेस कवर करता है, स्थान घेरता है डिजर्ट। मैं अभी बताया हूँ सेकेंड थर्ड रूल में कि प्लेस कवर, जितनी वस्तु प्लेस को कवर करती है वो क्या होती हैं, उनके साथ द का यूज होता है। तो डिजर्ट रेगिस्तान क्या करता है, प्लेस कवर करता है। तो द सहारा डिजर्ट, द सहारा डिजर्ट, जितनी भी डिजर्ट होगी वो आपको क्या हो जाएगा, आर्टिकल द का यूज होगा। अब आते हैं दोस्तों इस पे हम देख लेते हैं कि जो डेट होता है आप डेट के साथ भी आर्टिकल द का यूज करते हैं। डेट के साथ क्या करते हैं, आर्टिकल द का यूज करते हैं। द 10th मई यूनिक है क्या, डेट यूनिक है ना, 10th मई तो यूनिक ही है, अकेला है ना संसार में कि बहुत ज़्यादा 10th मई है, नहीं अकेला है। मैं फर्स्ट ही बता चुका हूँ फर्स्ट ही रूल में कि यूनिक ऑब्जेक्ट के साथ द का यूज करते हैं। दिमाग में रखिएगा डेट, इतना दिमाग में रखिए तो डेट के साथ आर्टिकल द का। अब आते हैं दोस्तों लास्ट आपका देख रहे हैं, इसमें लास्ट टॉपिक आपको दिख रहा है डिफेंस। डिफेंस क्या होती है दोस्तों, जितनी रक्षात्मक जो रक्षा के लिए जितनी बनाई गई हैं कंपनी, जैसे आर्मी का हो गया, सीआरपीएफ हो गया, मतलब हम लोग की जो रक्षा करती है जो डिफेंस की कंपनियां, जो डिफेंस की नौकरी है उसके साथ आप हमेशा आर्टिकल द का यूज करेंगे। इतना दिमाग में रख लीजिए डिफेंस के साथ जो होता है हमेशा आर्टिकल द का यूज होता है। द आर्मी हो गया, द सीआरपीएफ हो गया, द तिब्बत फोर्स हो गया, द जितनी भी द BSF हो गया, SSB हो गया, तो जितनी भी दोस्तों डिफेंस की फोर्स की जितनी भी बटालियन है आप उनके साथ आपका आर्टिकल द का यूज करते हैं। तो ये दोस्तों एक बार और देख लेते हैं, मान लीजिए द यूनिक ऑब्जेक्ट है उनके साथ आप आर्टिकल द का यूज करेंगे। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के साथ आप आर्टिकल द का यूज करेंगे, जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है उसके साथ द का यूज करेंगे। अब आते हैं दोस्तों जो प्लेस कवर करता है उसके साथ आप यूज कर देंगे। समुद्र हो गया, झील हो गया, झरना हो गया, जितने भी समुद्र झील झरना हो गया उसके साथ आप द का यूज करेंगे। पार्ट ऑफ बॉडी, पार्ट ऑफ बॉडी के साथ आप द का यूज करेंगे। एकदम क्लियर हो गया, पार्ट ऑफ बॉडी के साथ आप द का यूज करते हैं। ऑर्डिनल ऑर्डिनल एडजेक्टिव, अभी मैं बताया कि ऑर्डिनल एडजेक्टिव के साथ आप द का यूज करते हैं। जैसे ऑर्डिनल क्या हो गया, नेक्स्ट हो गया, सेकेंड हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया, फिफ्थ हो गया, तो ऑर्डिनल ऑर्डिनल एडजेक्टिव है, ऑर्डिनल एडजेक्टिव है। जब एडजेक्टिव हम पढ़ेंगे तो इसको अच्छे से क्लियर कर लेंगे। तो ऑर्डिनल एडजेक्टिव के साथ हम द का प्रयोग करते हैं। अब आइए दोस्तों डिजर्ट, जितनी भी डिजर्ट होती हैं उसके साथ हम द का प्रयोग करते हैं। डिजर्ट क्या हो गया, तो रेगिस्तान हो गए, जितनी भी रेगिस्तान होती है उसके साथ आप द का प्रयोग करते हैं। डेट के साथ आप द का प्रयोग करते हैं, इतना दिमाग में रखिए डेट के साथ द का प्रयोग करते हैं। लेकिन दोस्तों मंथ के साथ और सप्ताह के साथ आप द का प्रयोग नहीं करते हैं। मंथ और सप्ताह के साथ द का प्रयोग नहीं करते हैं, प्रोनाउन के साथ द का यूज नहीं होता है। इतना दिमाग में रखिए, तो मंथ और सप्ताह क्या है दोस्तों, प्रोनाउन है, उसके साथ द का यूज नहीं होता है। तो एक दिमाग में और दिखिएगा, इसको आप लिख लीजिएगा मंथ, मंथ और वीक, मंथ और जो वीक होता है इसके साथ नो आर्टिकल, इसके साथ द का यूज आप नहीं करते हैं। नो आर्टिकल का यूज होता है, इसके साथ आप द का यूज नहीं करते हैं। तो क्लियर हो गया, डिफेंस की जितनी भी डिफेंस की उठा लें उसके साथ आप द का यूज करते हैं। तो आई होप कि दोस्तों आपको क्लियर हो गया होगा। इतने से आप बहुत सारे रूल पकड़ लिए, मैं बता दिया कि रूल क्या है, ये भी मैं बता दिया कैसे यूज करते हैं, तो आप क्लियर हो गया होगा। तो द का यूज आपको क्लियर हो गया, अगर द के यूज में कुछ और बचा है उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में हम लोगों ने सॉल्व करेंगे। द का यूज और कहाँ होता है, डायरेक्शन के साथ कैसे होता है, और वर्ड के साथ अगर वर्ड का नाम देते उसके साथ कैसे होता है, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो इतना आपको क्लियर हो गया, मैं कोशिश कर समझाने के लिए, फिर भी आपको समझ में आए तो वीडियो को और देख लीजिएगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा।
अगर वीडियो पसंद है दोस्तों तो लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए वीडियो पहले बार देखो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सब्सक्राइब क्यों कीजिएगा? क्योंकि दोस्तों आपको ऐसे ही वीडियो और मज़ेदार टिक के साथ इस चैनल पर मिलता रहेगा। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तब के लिए जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।